अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जानेंगे आप क्रोम पर दूसरे अकाउंट कैसे स्विच कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है। क्रोम खोलने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद सेटिंग ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग ऑप्शन पर जाने के बाद आपको अपनी आईडी पर क्लिक कर देना है। आईडी पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि मुझे अब ये वाली आईडी स्विच करना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। तो आपको ऐसा सेंस करके कुछ दिखेगा, तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले बैक आना है, उसके बाद आपको क्रोम पर क्लिक करके रखना है, जैसे कि आप अनइंस्टॉल करते हैं ना वैसे क्लिक करके रख लेना है। फिर आपको ऐप इन्फो पर क्लिक करना है। ऐप इन्फो पर क्लिक करने के बाद आपको इसका क्लियर डाटा कर देना है, जो कि यहाँ पर दिखेगा। अगर किसी के मोबाइल में यहाँ पर ना हो तो स्टोरेज पर जाकर आप यहाँ से क्लियर डाटा भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये क्लियर डाटा ऑल पर क्लिक कर दिया है। क्लियर डाटा, डिलीट ऐप डाटा, ये सब पूरा हो गया है क्लियर डाटा। इसके बाद हमें वापस से आ जाना है बैक और ये पूरा मेन्यू हटा देना है। उसके बाद क्रोम पर वापस जाना है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इस पर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपका एक अकाउंट स्विच होगा। अगर आपको ये अकाउंट नहीं करना है लॉगिन, तो आप एरो पर क्लिक करें। यहाँ पर एरो है, इस पर क्लिक करें। एरो पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी आईडी ओपन करनी है उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे कि मुझे अभी ये वाली ओपन करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दिया है और आई एम इन पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए गाइस, ये आईडी कैसे ओपन हो चुकी है। और आपको ऐसा डिस्कवर में नहीं चाहिए, नीचे डिस्कवर बंद करना है। तो इसके लिए हम दूसरे वीडियो में जानेंगे। तो आज की ये वीडियो में इतना ही। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।